नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशिका, आप सभी का बहुत स्वागत है। और यहां से खबरों की शुरुआत में नोएडा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगी है। दम घुटने से इलेक्ट्रीशियन की मौत हुई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सेक्टर 74 लोटस ग्रेनेडियर बैंक्वेट हॉल में आग लगी है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बैंक्वेट हॉल में आग लगी दम घुटने से। और यहाँ पर बैंक्वेट हॉल में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैंक्वेट हॉल में आग का तांडव देखा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी है और कितनी खतरनाक भी ये नजर आ रही है। दम घुटने से इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आग लगने के कारण हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं किन वजहों से ये आग लगी, इसको लेकर जांच की जा रही है। ये आज थाना क्षेत्र 113 के अंतर्गत ग्राम सरफाबाद के पास सेक्टर 74 में ये लोटस ग्रैंडियर नामक एक काफी बड़ा शादी घर है, इसमें रात लगभग 3:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 10 मिनट के अंदर 3:40 पे तुरंत फायर की गाड़ियां आ गई थी, इसमें 15 गाड़ियां लगाई गई। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था और बुझाने में इसमें काफी टाइम लग गया। अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता चला है अभी कि इसमें एक परविंदर नामक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी जलने से मृत्यु हो गई है। बाकी अभी ऑपरेशन जारी है, अभी तो पा लिया गया है, लेकिन चूंकि पूरा लकड़ी का बना हुआ है तो कहीं कहीं पर फिर जल उठती है। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हुई हैं। तो दम घुटने से यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई है। बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगी है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ वजह रही कि ये आग यहाँ बैंक्वेट हॉल में लग गई है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक्वेट हॉल में आग भड़की है और पूरी तरह से ये जल चुका है। हर तरफ बैंक्वेट हॉल के अंदर आग नजर आ रही है। हालांकि लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें था, इसकी बनावट में भी काफ़ी ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में आग तेज़ी से फैलती चली गई और धीरे धीरे अब देखते ही देखते ये जो बैंक्वेट हॉल है पूरी तरह से जल गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं आग की लपटें किस तरह से यहाँ पर उठ रही हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता महेंद्र माही नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, पूरे मामले में क्या जानकारी है, अपडेट फिलहाल क्या है, क्या कारण स्पष्ट हो पाए कि कैसे ये आग लगी बैंक्वेट हॉल में? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला सेक्टर 74 का है, जहां लोटस गार्डेनिया बैंक्वेट हॉल है और तकरीबन 5-6 बैंक्वेट एक ही साथ है। इसलिए आग जब लगी तो क्योंकि तमाम जो बैंक्वेट हॉल होते हैं अधिकतर वो प्लाईवुड के बने रहते हैं, सीलिंग फॉल के बने रहते हैं, उसमें कम ही सीमेंटेड या कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल होता है उसका कभी इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि तड़के तकरीबन 3 बजे के आसपास जो पुलिस को ये सूचना मिली कि नोएडा के सेक्टर 74 में जो बैंक्वेट हॉल है, लोटस गार्डेनिया जो बैंक्वेट हॉल है, उसमें आग लग गई है। तो पुलिस को भी वहां पहुंचने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा, क्योंकि अधिकतर जो बैंक्वेट हॉल थे ये प्लाईवुड के बने थे, यानी कि लकड़ी के बने थे। इसमें तमाम जो सामान होते हैं, चाहे सोफे की बात करें, तमाम पर्दों की बात करें, तो आग की लपटें इतनी तेज थी कि धीरे धीरे तमाम बैंक्वेट हॉल को वो अपने आगोश में ले चुका था। उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से बकायदा बुलडोजर मंगा कर जो दीवार है उसको तोड़ी जा रही थी, क्योंकि आग बहुत ज्यादा भयंकर थी। अगर फायर विभाग के जो कर्मी अगर अंदर जाते बाई चांस जो छत है टूट के नीचे गिर जाती तो वहां वो जख्मी हो सकते थे, क्योंकि नोएडा में जितने भी बैंक्वेट हॉल है वो अधिकतर प्लाईवुड के बने रहते हैं, उनपे कोई लेंटर कह सकते हैं सीमेंट का कोई ज्यादा मजबूत काम नहीं होता। तो इसलिए आग को बुझाने में सुबह का वक्त लगा। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई दम घुटने से, जो इलेक्ट्रीशियन था, यानी कि जो बैंक्वेट हॉल में मैकेनिक का काम करता था, उसकी दम घुटने से मौत हो गई। पंकज नाम उसका बताया जा रहा है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिर आग कैसे लगी, क्योंकि अभी तक आग की जो रीजन है, यानी कि आग किन कारणों की वजह से लगी, इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं आया। साथ ही साथ ये भी जानकारी जुटा रही है, क्या बैंक्वेट हॉल के पास जो तमाम अग्निशमन उपकरण होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, क्योंकि काफी बड़ी आग है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से, और आग इतनी बड़ी है कि सुबह के वक्त भी आग पर काबू नहीं पाया गया। बिल्कुल, तस्वीरों से ही महेंद्र देखिए समझ आ रहा है कि कितनी ज्यादा, कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी थी और कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है कि अब इस आग ने पूरे बैंक्वेट हॉल को अपनी चपेट में ले लिया है। बहरहाल अब ये जांच का विषय है कि आखिर इस बैंक्वेट हॉल में आग लगी कैसे और फिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे। अब आप अपडेट्स
इस पर लगातार लेते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया महेंद्र। और वहीं 28 लाख